पीएम मोदी ने एक बड़ा पोल खोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी यानी शहजादे के घर टेम्पू में भर करके नोट पहुंचाए, बोरे में भर करके नोट, नोटों की तमाम गड्डियां। इसलिए अब शहजादे चुप हैं, चुप ही नहीं हैं, 5 साल तक अडानी अंबानी का नाम लेकर के पानी पी पी करके गरियाया, चुप क्यों है? कितना नोट पहुंचा है बोरे में भर करके, आप खुद ही सुन लीजिए। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पीएम तेलंगाना में थे और उन्होंने आज जमकर शहजादे की ऐसी की तैसी किया। शहजादे कौन है बताने की जरूरत नहीं है, अब नाम लोग नहीं ले रहे हैं, कोई हुजूर कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई साहेब कहता है। तो तेलंगाना में भाषण करते हुए आज नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के युवराज को शहजादे को कहा, 5 साल अडानी और अंबानी का नाम लिया, अब गाली देना बंद कर दिया है, काहे गाली देना बंद कर दिया है, काले धन के कितने बोरे भरकर रुपए मारे हैं, टेम्पो भरकर नोट पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? बाबा आक्रामक रुख अख्तियार किए हैं और कह रहे हैं कि राफेल वाले मामले के बाद अडानी अंबानी का माला जपते थे शहजादे, लेकिन अब चुप हैं, कारण कि खेल हो गया। इसका मतलब बाबा के पास विश्वस्त सूत्र हैं खेल होने के। ऐसा तो नहीं ना कि अडानी अंबानी है तो व्यवसायी हैं, पलटा मारने में इन्हें देर नहीं लगती है, खट से पलटा मार जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि उन्हें कुछ इस प्रकार की आहट हो गई है कि भैया खेल पाला बदलने वाला है, बदले बदले सुर हमारे साहेब के। साहेब को भी लग रहा है कि 400 पार के जो नारा दिया गया है वह काफ़ी लग रहा है कि कामयाब नहीं होगा और स्थिति बहुत हद तक बिगड़ती जा रही है। तो दोस्तों, जहां तक अडानी और अंबानी का सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी की बात में दम है? कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है कि उनसे और तमाम पूंजीपतियों से कांग्रेस ने लाभ उठाया है? यदि उनकी बात में दम है और इसी नाते अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं कांग्रेस के शहजादे, तो पीएम मोदी के इस भाषण के बाद शहजादे को ताव में आना चाहिए। ताव में आएंगे और नाम लेना शुरू करेंगे, चापेंगे, तब तो यह मान लीजिए कि नहीं लिए हैं। और अगर ताव में नहीं आते हैं, जोश खो देते हैं, मुंह वहां लटका लेते हैं, तो मान लीजिए कि इसका मतलब खेल हुआ है। पूंजीपति खेल दाव लगाते हैं, जिसको देखेंगे उसको छोड़ दीजिए, तमाम जो छोटे छोटे चुनाव हैं उसमें भी लोग दाव लगाते हैं, विधानसभा में लगाते हैं, लोकसभा में तो लगाते ही हैं कि फला जीत जाएगा तो हमारी आवाज़ उठाएगा, सदन में प्रश्न लगाएगा, प्रश्न लगाने के पैसे भी दिए जाते हैं, ऐसे सेटर हैं जो सेट करते रहते हैं। तो अब अडानी और अंबानी को कितना लाभ मिला अगर देखा जाए तो अडानी के तमाम एयरपोर्ट हो गए। अब वो एयरपोर्ट भारत सरकार के कब्जे में नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक न मोदी जी रहेंगे, न जोगी जी रहेंगे, न साहब रहेंगे, न नितिन गडकरी रहेंगे, न इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वह रहेंगे, अनुराग ठाकुर जैसे युवा भी नहीं रहेंगे जितने दिन तक लीज पर दिया गया है। वाराणसी में अभी लाल बहादुर शास्त्री जी बचे हुए हैं, लेकिन चौधरी साहब जिनको भारत रत्न दिया गया और जिनके पोते आज गंगा स्नान कर लिए, इस बात पर खुश हो गए कि हमारे दादा को भारत रत्न दिया, इतनी बड़ी कामयाबी मिली, तो चौधरी साहब भी अडानी के कब्जे में हैं। चौधरी साहब यानी
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ। यह देश के जाने माने एयरपोर्ट में है। विश्व में अगर देखा जाए तो इसका स्थान है वो अभी चला गया। अब वहाँ से आप उड़ान भर करके चले जाएंगे दिल्ली, वहाँ चले जाएंगे अहमदाबाद, तो पटेल जी एक हमेशा नेहरू और पटेल की तुलना करते हैं कि अगर पटेल रहते प्रधानमंत्री तो आज देश की स्थिति क्या होती, कितना बदलाव आता। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें भी बेच दिया। अब आप देख रहे हैं मालगाड़ी के उस पर जो बोगी है उस पर भी अडानी लिखा हुआ है। हम एक यात्रा किए जयपुर से पिछले साल श्रीनगर की एयरपोर्ट से, तो हमारा बैग में हमने चार्जर वह रखा था, पावर बैंक भूल करके रह गया था। बहरहाल हमारा वह बैग रख लिया और फिर लिखा पढ़ी हुई है, वहाँ गए श्रीनगर, तो जो बैग पर हमारे चिपकाया गया था उस पर भी अडानी लिखा था। तो जयपुर भी ख़त्म हो गया या भी ख़त्म हो गया, देश में तमाम एयरपोर्ट और रेलवे दिए जा रहे हैं, बंदरगाह दे दिया इनको, सोलर एनर्जी दे दिया इनको, पेट्रोलियम दे दिया, सीमेंट दे दिया, डिफेंस के जो पार्ट पुर्जे बनते हैं उसे दे दिया, मीडिया पर भी इनका आधिपत्य हो गया। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो अडानी अंबानी के कब्जे में हैं। ऐसे में अब भारत सरकार के कब्जे से ये चीज़ें खत्म हो गई, उनका वर्चस्व होगा, अपने ढंग से वह अपने नौकर रखेंगे, अपने ढंग से वह काम कराएंगे और उनका नाम भी रहेगा। अब देखिए कब तक बचते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बाबतपुर का जो एयरपोर्ट है, तो ऐसे ही देखना है दोस्तों। अभी गुरु गोरखनाथ जी बचे हुए हैं और तमाम लोग बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही रहा तो सबको यह लीज पर ठेके पर दे देंगे। राहुल गांधी के तरफ हमलावर होकर के नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा कहा है। अब राहुल गांधी का जवाब क्या आता है शहजादे का, यह तो देखने की बात है। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है अडानी और अंबानी का, और सौदा हुआ है तो कैसे, अरे आप देखिए ना कैसे कैसे बोल रहे हैं। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है, टेम्पो में भरकर काले धन कितने बोरे भरकर रुपए मारे हैं। अब रुपए मारने का तो आप लोगों का स्वभाव है साहब, ये जनता का ही ना पैसा मारेंगे और किसका मारेंगे, जो टैक्स का पैसा है उसे ही मारेंगे, उसे उसी का दोहन करेंगे और चापेंगे। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आगे जैसा भी होगा अपडेट करता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आपके कमेंट इस पर जरूर आएंगे और निष्पक्ष रूप से आप अपना विचार रखेंगे। सादर नमस्कार।